दोस्तों, अगर हमारे फोन को कोई हैक कर ले तो हमारा पूरा मैटर वहीं पर खत्म हो जाएगा। इस मूवी अनलॉक में हम ऐसे ही खतरनाक ट्विस्ट के साथ एक बेहतरीन कहानी देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस मूवी की शुरुआत में हम नामी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक सोशल मीडिया एडिक्टेड है, हमारी ही तरह। वो हम लोगों की तरह पूरा दिन फोन पर लगी रहती है। रात को बस से उतरते हुए उसका फोन वहीं पर गिर जाता है, जिसे कोई उठा लेता है। अगले दिन इस लड़के को उस फोन पर एक कॉल आता है। इसका नाम जूनियंग है। ये उसका रिप्लाई एक दूसरे फोन में लड़की की फेक वॉइस में देकर उसे बताता है कि ये फोन उसे गिरा हुआ मिला है। ये लड़की नमी की दोस्त है जिसका नाम युंजू है। ये नमी के घर जाती है जिसे वो कहीं नहीं मिलती। वो शॉक हो जाती है जब उसे एक डेड बॉडी पलंग के नीचे देखती है। पास जाने पर पता चलता है कि ये तो नमी है जो सो रही थी। नमी को उठकर जब अपना फोन नहीं मिलता तो वो पगला जाती है। युंजू हंसती है क्योंकि उसे तो पता था कि उसका फोन खो गया है। वो दोबारा उसके नंबर पर कॉल करते हैं, जहां वो लड़का फीमेल की वॉइस में उसे रिप्लाई देकर एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे इंस्टाग्राम पर स्टॉक करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पर लिखता है। पासवर्ड ना पता होने की वजह से वो फोन अनलॉक तो नहीं कर पा रहा था, तो वो फोन को तोड़ ही देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की की डेड बॉडी देखते हैं। बारिश में भीग जाने की वजह से इससे सारे एविडेंस गायब हो गए थे, लेकिन उन्हें प्लांट फूड का छोटा सा बॉक्स मिलता है। ऑफिसर जीमैन उसे ध्यान से देखता है, फिर जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां उसे वैसा ही एक प्लांट फूड मिलता है। ये ऑफिसर जूनियंग का फादर है जिसने अपने बेटे से 7 साल से बात नहीं की। उसके असिस्टेंट को लगता है कि ये मर्डर उसके बेटे जूनियंग ने ही किया है, क्योंकि वो जगह सिर्फ उसके बेटे को ही मालूम है और पिछले मर्डर में भी सेम एविडेंस मिला था। लेकिन जीमैन को लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। नामी अपने फादर की हेल्प करने आती है जो कि एक कैफे चलाते हैं। नामी को कॉल आता है कि उसका फोन टूट गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर छोड़ा गया है। नामी जब वहां जाती है तो उससे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें उसका पासवर्ड भी ले लिया गया था। ये लड़का असल में जूनियंग है जो फोन रिपेयर करने के बहाने फोन में कैमरा फिट कर देता है और उसका डाटा हैक करके नमी को फोन वापस दे देता है, जो कि काफी खुश होती है। अब जूनियंग के पास नमी के फोन का पूरा एक्सेस था। वो देख सकता था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है और क्या खा रही है। वो उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। एक शाम वो जब अपने कैफे में होती है तब जूनियंग वहां आकर ड्रिंक मांगता है जो उसके पापा सिर्फ नामी के लिए बनाते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे ड्रिंक सर्व करती है, फिर वो उससे बात करने की कोशिश करता है। जब उसके पापा नोटिस करते हैं कि वो स्ट्रेंजर से बात कर रही है, वो नामी से ये भी कहते हैं कि ये ड्रिंक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ये बेचने के लिए नहीं है। भाई, इस तरह के नोट्स हम एग्जाम्स में नहीं बनाते। जिस तरह के नोट्स जूनियंग ने नामी की रिसर्च के लिए बनाए थे, वो कहाँ रहती है, अकेली रहती है, कितने लोग उसके कॉन्टेक्ट में है, घर पर लॉक का कोड क्या है, कहाँ काम करती है, कितनी सैलरी मिलती है, वो उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करता है और अपनी लिस्ट में 9th नंबर पर उसका नाम लिखता है। फिर अपना वॉलपेपर पर पुरानी लड़की की फोटो हटाकर नमी की फोटो लगा देता है। नमी के ऑफिस में सैलरी डबल हो चुकी थी, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। इधर ऑफिसर अपने बेटे का पता लगाने के लिए अपनी वाइफ से काफी समय बाद मिलने आता है। वो उसे बताती नहीं तो ऑफिसर वहां से चला जाता है। जूनियंग नमी के घर चुपके से आकर उसके पूरे घर की तलाशी करता है। ऑफिसर जीमैन को पता चलता है कि उसके बेटे की फोन रिपेयर की शॉप है और 2 साल पहले किसी ने उसके साथ साइबर फ्रॉड किया था, तब से वो अपने पास फोन नहीं रखता। जीमैन यहां से निकलकर अपने बेटे के घर चला जाता है। जूनियंग घर में एंटर करने ही वाला होता है कि उसे पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई है, तो वो बाहर ही रहता है। अंदर ऑफिसर को ढेर सारे फोन, अलग अलग फेक बिजनेस कार्ड्स और लड़कियों की फोटोज मिलती है और काफी ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उसका बेटा ही मर्डरर है। अचानक उसके फोन पर उसकी करेंट लोकेशन की फोटो आती है। वो भागकर बाहर आते हुए चेज करता है और एक फेक फोन तक पहुंचता है। जब वो वापस उसके घर जाता है तो वहां तोड़फोड़ हो चुकी होती है। इसी शाम जूनियंग कैफे जाकर सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिससे नमी के पापा को शक हो जाता है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। वहीं नमी भी बैठी होती है, जिसे एक मैसेज आता है। असल में ये मैसेज जूनियंग का होता है, जिसने कुछ परचेज किया है। वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए अपने साइबर सिक्योरिटी का नकली विजिटिंग कार्ड दे देता है। नमी के फादर उसे देखकर चिढ़ जाते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं। रास्ते में नमी के पापा उसे ड्रॉप करते समय समझाते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा फोन यूज करती है और उसे किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी बहस में नमी नाराज होकर वहां से चली जाती है। नमी अंदर लेटी होती है कि उसका दरवाजा कोई खटखटाता है।
और लॉग ओपन करके उसकी फोटो लेता है। ये असल में उसकी दोस्त थी जो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो अपनी मम्मी से लड़ाई करके आई थी। नमी उसे लड़के के बारे में बताती है तो योनजू उसे चिढ़ाने लगती है। नमी कहती है कि अगर वो अपने बाल कटवा ले तो और अच्छा लगेगा। यहाँ नमी के पापा को नमी के फोन से एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए मैसेज आता है जो कि जुनयोंग ने भेजा था। वो ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। जब वो अपनी फैमिली वीडियोस देख रहे थे तो उसे मैसेज में एक फोटो आता है जिसमें उसके घर के बाहर एक बॉक्स रखा है। वो बाहर जाकर उस बॉक्स को ओपन करने लगते हैं कि उसके सर पर जुनयोंग मार कर उसे बांध देता है। माउंटेन पर पुलिस को ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती है जिससे अफरा तफरी मच जाती है। अगली सुबह नमी उठकर देखती है कि उसके बॉस के काफी सारे मिस कॉल्स आ रखे थे। वो कैब में ऑफिस की तरफ जाने लगती है। जब वो अपनी बॉस की मैसेज पढ़ती है जिसमें वो उसे डांट रही थी, वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी फेक प्रोफाइल पर एक पोस्ट अपलोड हो रखा था जिसमें उसकी कंपनी की बुराई लिखी थी। ये असल में जुनयोंग ने उसकी आईडी से किया था। उसे ऑफिस जाकर पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया है। वो कहती है कि उसका फोन किसी ने हैक कर लिया था। उसकी बॉस उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है। जुनयोंग अपनी लिस्ट में मार करता है कि नमी के सभी लोगों का कॉन्टैक्ट उससे अब टूट गया है। इधर उसकी दोस्त उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसे पता है कि उसने ये सब नहीं किया। अब युनजू ही है जिसका कॉन्टैक्ट नमी से तोड़ना है। असल में जुनयोंग का प्लान है कि वो नमी के सभी लोगों से उसका कॉन्टैक्ट तोड़ दे ताकि वो बिल्कुल अकेली रह जाए। नमी और युनजू साइबर सेल में जाकर उसका फोन हैक होने की कंप्लेंट करते हैं लेकिन सॉलिड एविडेंस ना होने की वजह से उनकी हेल्प नहीं की जाती। नमी को याद आता है कि जुनयोंग साइबर एक्सपर्ट है तो वो उसकी हेल्प मांगती है जो कि उसके पापा को बांधे हुए है। उसके पापा इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी बेटी को कुछ ना करे। जुनयोंग उसे बताता है कि मैंने उसका फोन सिर्फ 3 दिन में हैक करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। नमी और उसके फ्रेंड जुनयोंग से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि किसी ने उसका फोन इस तरह हैक किया है जिससे कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट ट्रैक की जा रही थी, जिसे वो ठीक करने का नाटक करता है। फिर वो नमी से अकेले में बात करते हुए कहता है कि तुम्हारे किसी क्लोज फ्रेंड ने यह काम किया होगा। वो इनडायरेक्टली उसकी फ्रेंड की तरफ इशारा कर रहा था जिससे नमी को उसके फ्रेंड पर शक हो जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जैसा कि जुनयोंग चाहता ही था। यहाँ माउंटेन पर जहाँ बॉडीज मिली थी, जीमैन दूसरे ऑफिसर को सारे वीडियो एविडेंस दिखाते हुए बताता है कि उसका बेटा ही मर्डरर है। वो दोनों उसके मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारे नोट्स मिलते हैं। एक नोट पर तो उन्हें नमी का नाम भी मिलता है। ऑफिसर जीमैन को समझाता है कि तुम्हारे बेटे को पकड़ के हम इस लड़की को बचा सकते हैं। तभी अचानक नमी पुलिस लेकर वहाँ आ जाती है क्योंकि उसे शक हो गया था कि मोबाइल रिपेयर करने वाले ने ही उसका फोन हैक किया था। जीमैन को पता चल गया था कि उसका बेटा इसी लड़की को मारने वाला था। नमी भी समझ गई थी कि उसके पापा सही कहते थे कि जुनयोंग उसे इतने टाइम से स्टॉक कर रहा था। वो उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं कि नमी उसे मिलने के लिए बुलाएगी और दोनों ऑफिसर्स उसे पकड़ लेंगे। नमी उसे मैसेज करके बुला लेती है। जुनयोंग अपने हेयर कट करके वहां पहुंचता है। दोनों ऑफिसर भी अपनी कार में बैठे होते हैं। जैसे ही जुनयोंग नीचे आकर उसे कॉल करता है, दोनों ऑफिसर उस पर गन तानते हुए रुकने के लिए कहते हैं। ट्विस्ट तब आता है जब जीमैन देखकर हैरान होता है कि वो उसका बेटा हाँ ही नहीं, वो कोई और था। वो लड़का टेंशन फ्री होकर कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो और वहाँ से चला जाता है। जब दोनों नमी के पास जाते हैं तो वो बताती है कि जुनयोंग किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाया। नमी अपने पुराने फोन में सिम डाल लेती है जिससे वो उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। जीमैन को उसके सीनियर्स का कॉल आता है जो उसे वापस आने को कहते हैं। वो दोनों नमी को किसी और सेफ जगह पर जाने के लिए बोलते हैं तो नमी को वो लोग उसके पापा के घर ड्रॉप कर देते हैं और उसे कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहते हैं। नमी अंदर जाती है जहां उसके पापा उसे नहीं मिलते तो वो अंदर बेड पर लेट जाती है। जब उसे जुनयोंग का मैसेज आता है कि तुमने अपना फोन चेंज कर लिया, नमी शॉक हो जाती है कि उसे कैसे पता चल गया। वो जैसे ही मैसेज का रिप्लाई करती है उसे अपने आसपास ही मैसेज का वाइब्रेशन सुनाई देता है। वो जब उस नंबर पर कॉल करती है तो वो फोन ऊपर वाली फ्लोर पर बजने लगता है। वो डर जाती है और समझ जाती है कि वो लड़का इसी घर में है। वो जब पुलिस को कॉल करने वाली होती है तो नंबर्स अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। असल में ये फोन हैक हो चुका था। ये फोन तभी हैक कर दिया था जब वो नमी के घर पर आया था। नमी को कुछ आवाज़ आती है और वो एक हथियार लिए आवाज़ को फॉलो करती है। ये रिकॉर्डिंग उसके घर में बैठा जुनयोंग ही चला रहा था। जब जीमैन और ऑफिसर घर जा रहे थे तो उनके सीनियर्स का कॉल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बॉडी मिली है जिसका DNA जीमैन से मैच कर रहा था। इसका मतलब कि वो बॉडी उसी की कोई रिलेटिव है। इधर जुनयोंग नमी को उसके पापा की वीडियो दिखाता है जिसमें उसने उसको पकड़ रखा है। वो जैसा बोलेगा नमी को वैसा ही करना पड़ेगा। वो नमी से उसके ऑफिसर्स को मैसेज करवाता है कि वो अब ठीक है और सोने जा रही है। जब नमी पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो जुनयोंग बताता है कि इसमें मुझे मजा आता है। नमी अपना चाकू निकालती है लेकिन मार नहीं पाती क्योंकि उसे ये नहीं पता चल पाएगा कि उसके पापा कहाँ पर हैं। जुनयोंग बाथरूम जाता है। जब नमी छुपके से वहाँ जाती है तो देखती है कि उसने उसके पापा को बाथटब में डुबा रखा था। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें छोड़ दे लेकिन वो बाथटब भरने लगता है।
जुंगयोंग उसके हाथ पैर बांध देता है और दोबारा नल खोल देता है। वो चिल्लाते हुए रोने लगती है। वो कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, जिस पर जुंगयोंग कहता है कि तुम अपने पापा को मार दो। वो उसे भी उस बाथटब में डाल देता है और नल खोल देता है, जिससे नमी ऑलमोस्ट मर ही जाती है। जुंगयोंग खुशी खुशी उसकी फोटो क्लिक करता है और उसे वॉलपेपर लगा देता है। वो बाहर आकर ऑफिसर्स का कार्ड देखता है जिसमें लिखा था कि ओनली कॉल नो टेक्स्ट। वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि ऑफिसर को पता चल गया होगा कि नमी मुसीबत में है। तभी वहाँ दोनों ऑफिसर आ जाते हैं। जुंगयोंग जैसे ही एक को मारने वाला होता है, लीमैन उस पर गन तान देता है। जुंगयोंग उसे अपने पापा कहता है, लेकिन लीमैन उसे मार कर एक जगह बांध देता है। वो अपने बेटे के बारे में पूछता है। ये लड़का कहता है कि तुम्हारे बेटे में किसी को मारने की हिम्मत ही नहीं थी। दूसरा ऑफिसर नमी को बाथटब से निकाल चुका था और उसके पापा को सांस दे रहा था, लेकिन वो मर चुका होता है। लीमैन लड़के को मारता हुआ अपने बेटे का पता पूछता है। जब वो लड़का अपने बैग की तरफ इशारा करता है, उस बैग को खोलने पर लीमैन को पता चलता है कि इस लड़के ने इसके बेटे जुंगयोंग को काफ़ी साल पहले ही मार दिया था। तब से उसकी आइडेंटिटी लेकर ये लोगों को मर्डर कर रहा है। लीमैन को जब पता चलता है कि इसने उसके बेटे को मारा है, तो वो रोने लगता है और उस पर गन तान कर खड़ा हो जाता है। नमी, जो कि होश में नहीं थी, ऑफिसर की गन लेकर उसके पास जाती है और उसे शूट कर देती है। और उसके पापा, जो कि होश में आ गए थे, उन्हें पकड़कर रोने लगती है। ढेर सारे लोग नमी के घर के बाहर अपना फ़ोन लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये मूवी आपको क्या सिखाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।